हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर स्टडी फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 2। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनएसओ लेवल 2 एंड दिस क्वेश्चंस आर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर बोर्स मॉडल। ऑप्शन नंबर ए, इट एस्टेब्लिशेस स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर बी, इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड विद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी, इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इज इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो बोर ने जो मॉडल दिया था तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट दे रखा है कि इट एस्टेब्लिश स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो बोर मॉडल में ये बताया गया था। इसके बाद जो है ये हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करता है, ये बात भी ट्रू है। लेकिन बोर मॉडल में ये नहीं बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल या वेव की तरह से जो है वो वर्क करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा बताया गया था, तो ये डी ब्रोगली के द्वारा बताया गया था। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है का ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखी है, H2O2 प्लस O3 इक्वल टू H2O प्लस 2O2। सेकंड इज H2O2 प्लस Ag2O इक्वल टू 2Ag प्लस H2O प्लस O2। सो रोल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन अबव रिएक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइजिंग इन ए एंड रिड्यूसिंग इन बी। ऑप्शन नंबर बी इज रिड्यूसिंग इन ए एंड ऑक्सीडाइजिंग इन बी। ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसिंग इन ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीडाइजिंग इन ए एंड बी। तो यहाँ पर दो रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और यहाँ पर जो है इन दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्साइड का रोल पूछा गया है। तो पहला जो रिएक्शन है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन में जो है H2O2 से क्या हो रहा है, ये H2O में ये कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रही है, यानी कि ये यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। सेम इसी तरह जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें भी जो है H2O2 जो है उससे एक ऑक्सीजन निकल रही है बाहर, और ये क्या है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है इन दोनों ही रिएक्शन में जो है ये क्या कर रहा है, ये यहां पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल वुड बी एक्सपेक्टेड टू लूज एनर्जी बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए दे मूव रैंडमली, ऑप्शन नंबर बी दे जंप ऑन द न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस्केप फ्रॉम द एटम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या दे रखा है कि जो है ये एनर्जी जो है ये लूज करते हैं, तो इसका रीजन क्या है। तो इसका फर्स्ट दे रखा है दे मूव रैंडमली, सेकेंड है दे जंप ऑन द न्यूक्लियस, थर्ड इज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं उनको रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी है उस वहां पर जो है ये लॉस करते हैं। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉटल ऑफ अमोनिया एंड ए बॉटल ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कनेक्टेड थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब आर ओपन साइमल्टेनियसली एट बोथ एंड्स, द वाइल अमोनियम क्लोराइड रिंग फर्स्ट फॉर्म्ड विल बी, ऑप्शन नंबर एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल, ऑप्शन नंबर सी नियर द अमोनिया बॉटल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक बॉटल ली गई है अमोनिया की और एक बॉटल ली गई है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की, जिनको कि एक लॉन्ग ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो इनके दोनों जो एंड है उनको सिमल्टेनियसली क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। तो यहां पर जो है अमोनियम क्लोराइड की जो रिंग जो यहां पर फर्स्ट फॉर्म होने वाली है, तो वो कहां पर फॉर्म होगी। तो यहां पर जो है यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो उसी के हिसाब से हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो अमोनिया जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, वो HCl से जो है वो कम होता है, जिसके कारण इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होता है, HCl से जो है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहले जो है अमोनियम क्लोराइड की जो रिंग है वो फॉर्म होती है, और कहाँ पर होती है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के बोतल के पास में जो है ये रिंग फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स इज केपलर सेकंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी शोज द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो केपलर ने अपना जो ये लॉ दिया था सेकंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, तो किसके कंजर्वेशन की बात करता है. तो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में जो है ये मूवमेंट इनका होता है. तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है प्लेनेट का, वो कांस्टेंट होता है. तो इस तरह से यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेवन इज टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ सेम मासेस आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ए थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी यू एंड बी थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी यू. देन ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ए इज मोर देन बी एट द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए एट द ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि दो बॉल है ए एंड बी जिनके की मासेस क्या है, इनके मासेस सेम है और इनको क्या किया गया है, एक जो है ये टॉप ऑफ बिल्डिंग से इनको बिल्डिंग की टॉप से इनको फेंका गया है. तो ए जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है और ये जो बी है इसको क्या किया गया है, बी जो है ये नीचे की साइड में इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको नीचे की ओर फेंका गया है. तो ये दोनों जो है सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, ए जो है यहाँ पर ये ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है और बी जो है नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है जो बॉल ए है वो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँच जाएगा इसके बाद ये क्या करेगा, ये सेम जो कि बी की बी जो बॉल की जो वेलोसिटी है उसकी ही वेलोसिटी से ये नीचे की ओर जो है ग्राउंड पर ये आएगा. तो इस तरह से बोथ जो है बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी. तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर एट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज आर वन अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, टू अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, थर्ड अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फोर्थ अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन. ए टू थर्ड एंड फोर्थ, बी वन एंड टू, सी टू एंड थर्ड एंड डी फोर्थ ओनली. तो यहाँ पर हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो वन क्या दे रखा है, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी will not necessarily have zero acceleration. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. सपोज कीजिए यहाँ पर एक बॉडी है जो कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो फील करेगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो जिसका की वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस तरह यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता है. तो स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट है. सेकंड दे रखा है बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन. तो अभी हमने देखा कि जीरो वेलोसिटी होने पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. उसके बाद थर्ड दे रखा है बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये यहां पर ओनली गलत दे रखा है क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है. फोर्थ दे रखा है बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन. तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहां पर गलत है क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी यही होता है चेंज इन वेलोसिटी. तो इस तरह से जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो टू थर्ड एंड फोर्थ यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे. तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नाइन इज इन एन एक्सप्लोजन अ बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पीसीज ऑफ अनइक्वल मासेस. इन दिस ऑप्शन नंबर ए बोथ पार्ट्स विल हैव अन्यूमरिकली इक्वल मोमेंटम, बी हैवियर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम, सी लाइटर पार्ट विल हैव मोर मोमेंटम एंड डी बोथ पार्ट्स विल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि एक बॉडी जो है दो पीसों में जो है ये ब्रेक हो जाती है जिनके कि मास क्या है यहाँ पर अनइक्वल है. तो हमें बताना है यहाँ पर, तो फर्स्ट जो दे रखा है बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमरिकली इक्वल मोमेंटम. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर. तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक ये जो बॉल है जो कि क्या होती है ये एक्सप्लोजन के बाद जो है ये दो पार्ट में जो है ये डिवाइड हो जाती है. तो यहाँ पर एक पार्ट ये लिया गया है, एक पार्ट ये लिया गया है. तो इसका मास दोनों का डिफरेंट है. तो इसका मास हमने लिया है m1 और इसका मास क्या लिया है हमने m2. इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ये v1 है और इसकी क्या हो जाएगी, ये v2 हो जाएगी. तो यहाँ पर जो है हम कंजर्वेशन का जो है यहाँ पर रूल लगाएंगे. तो यहाँ पर जो है p इनिशियल क्या हो जाएगा, p इनिशियल जो हो जाएगा p फाइनल के जो है वो इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है इनिशियल जो इसका मोमेंटम है वो जीरो है. इसके बाद जो है फाइनल क्या है यहाँ पर, तो m1 v1 प्लस m2 v2
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं तो माइनस एम वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एम टू वी टू के। तो इस तरह से दोनों जो है ये मोमेंटम जो है वो क्या हो जाते हैं, न्यूमरिकली इक्वल हो जाते हैं बोथ पार्ट्स के। तो इस तरह से जो वहाँ ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन नंबर ए एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ऑप्शन नंबर सी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन इलेप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से किस केस में जो है फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो इस टर्म को आप देखिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण यहां पर जो है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से एक्सीलरेशन की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए। तो अगर ए की वैल्यू जो है जीरो है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने एमटीजी की बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपका एग्जाम जो है वो 12 फरवरी को होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।